कई बार जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। असल में यही हमारे जीवन की असली परीक्षा होती है। जीवन की इस परीक्षा को केवल साहस, विनम्रता, सूझबूझ और लगन के बल पर ही पास किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारी आज की शक्ति स्वरूपा इंदिरा जैन ने। इंदिरा जी छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं, लेकिन बच्चों व महिलाओं की बेहतरी के लिए वे पिछले 2 दशकों से कार्य कर रही हैं। उन्होंने न केवल अपने जीवन को दिशा दी बल्कि कभी परिस्थितियों से हार भी नहीं मानी और समाज के वंचित व शोषित तबके के लिए भी कार्य किया। आइए जानें उनके जीवन का मंत्र जिन्होंने कई जीवन रोशन किए। जानिए इंदिरा जी के संघर्ष की कहानी। मेरा दिल ही काफी है इबादत के लिए, मेरे लिए क्या मंदिर और क्या शिवाला। ये लाइनें हमारी आज की शक्ति स्वरूपा पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिन्होंने कर्म को ही पूजा बना लिया और ना केवल उन्होंने केवल अपने बच्चों की चिंता की बल्कि उन्होंने अपने आसपास के, अपने शहर के, अपने प्रदेश के भी बच्चों की चिंता की। हम आज आपको मिलवाएंगे इंदिरा जैन जी से। इंदिरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ, धन्यवाद आपका। इंदिरा जी आपको देख के ऐसा लगता है कि आप असल मायने में शक्ति स्वरूपा है, क्योंकि जो शक्ति की अवधारणा है बिना लड़े बिना डरे आगे बढ़ते रहना, संरक्षण देना उनको जिनका कोई नहीं है, ये सारे गुण मुझे आपके अंदर नजर आते हैं, आपके कार्य कलापों में नजर आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ इंदिरा जी कि मैं आपको बहुत सालों से देख रही हूँ, अभी मैं देख भी रही थी कि आपने क्या क्या काम किए। मैं देख रही हूँ 80 के दशक से, 90 के दशक से आप महिला और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। तो मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में आऊँ उसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए बच्चों के लिए काम करना है, ये विचार मन में आया कैसे? ऐसा है प्रियंका जी कि बचपन से मेरे में ऐसे कुछ गुण थे और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। तो और नाम भी मेरा इंदिरा है, इंदिरा का मतलब आप अच्छे से समझते हो, नाम भी वो मेरे गुणों को देख के उन्होंने रखा। और घर का मेरा ऐसा वातावरण मिला क्योंकि हमारे पिताजी गांव से, दुर्ग उस समय शहरी कहलाता था, तो गंडई जैसे छोटे गांव से पिताजी दुर्ग आए, उनकी पढ़ाई नागपुर वगैरह में हुई और किसान परिवार के बेटे थे वो, और हमारे दादा दादी हमारे पिताजी की अल्पायु में नहीं रहे थे। तो हमारे पिताजी को बहुत था कि मैं विद्यादान सबसे बड़ा दान है तो वो मुझे करना है। तो वो खुद जब वकील थे प्रैक्टिस करते हुए वो सब गरीबों का केस हमने देखा है कि वो फ्री में लड़ते थे, और जो गांव के जो लोग आते थे तो उनको हमारे पास में जगह थी हमारी, तो वहाँ पे बिल्कुल रहने और खाने के लिए सारा फ्री करते थे। और हमारी बुआ के, बड़े पापा के सारे बच्चे हमारे घर पे रह के पढ़े। मतलब जब मैं कॉलेज में गई और मेरे से पूछा जाता था कि आपके सगे भाई बहन कितने हैं, तो मैं नहीं समझ पाती थी कि सगा क्या होता है और काका बाबा क्या होता है, क्योंकि इतना अच्छा हमारे यहाँ वातावरण था, हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि ये हमारे बड़े पिताजी के बच्चे हैं, ये बुआ के बच्चे, सब भाई बहन, मतलब 12-15 भाई बहन हम रहते थे साथ में। तो वो अपने आप स्वभाव में आता गया कि सबकी चिंता करना, सबकी देखभाल करना। और डायरियोग से मेरे से सबसे, मतलब घर में सबसे बड़ी सिस्टर हमारी मेंटली रिटार्डेड रही हैं, तो उनको देख के मुझे, और उनकी बहुत सेवा भी की मैंने, तो मुझे लगता था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चियां हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है तो बहुत आसानी से उनका लालन पालन हो जाता है, पर जब वो बच्चे अगर पेरेंट्स नहीं रखते तो उनकी क्या दशा होती है। ये मेरे मन में शुरू से आ गया था कि जब योग संयोग होगा मैं ऐसा कुछ करने लायक होंगी तो इनके लिए मुझे कुछ करना है। तो बस उसी से प्रेरित होकर मैं करते गई और प्रकृति ने ऐसा खुद व्यवस्था मेरे मुझे बनाती चली गई कि मैं उस क्षेत्र में अपने आप आ गई। मतलब घर से ही कहीं ना कहीं आपने वो सारे गुण ग्रहण कर लिए कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और ये जो अपना पराया का एक भेद है इसको भी मिटा देना है, क्योंकि हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को बढ़ाने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक लाइफ में, एक फेज आपकी भी लाइफ में ऐसा आया जब ऐसा लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, वो दौर कैसा था? हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और पिताजी भी मेरे ऐसे ही अचानक चले गए थे, जबकि मैं BSc सेकेंड ईयर में थी और मेरा भाई 10th में था, और यही सेम स्थिति मेरे साथ बनी। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज सेकेंड ईयर में था, मेरी बिटिया 10th में थी, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब लाइन में आ गया है, और जो मेरी सोशल सर्विस करने की इच्छा थी तो वो भी मेरी अच्छे से कामयाब हो रही थी, मेरा NGO चल रहा था और बाल श्रमिक स्कूल चल रहा था मेरा गोंदवारा में उस समय, और मैं महिला जेल में भी बोर्ड मेंबर थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक ऐसा हुआ कि मेरे पति अचानक, बिना मतलब कोई तबीयत खराब नहीं कुछ नहीं, अचानक चले गए,
और उस वक्त मुझे ऐसा लगा, बस एक ही मन में भाव था कि मेरे को हमेशा भगवान ऐसा हाथ दे, ऐसी स्थिति कभी ना आए मेरी। तो अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे व्यवसाय संभालना पड़ेगा और पहले खुद को सक्षम बना लूं, उसके बाद फिर मैं समाज में जाऊंगी। क्योंकि मेरी पहली सोच है कि पहले मैं सक्षम बनूं, मेरा परिवार सक्षम बने, उसके बाद में ही समाज सेवा आती है। भूखे पेट तो समाज सेवा आप कर नहीं सकते। तो उस पीरियड में मुझे बिल्कुल दिमाग में आ गया था कि मेरे को व्यवसाय संभालना है। और मैं चूंकि एक महिला थी और विज्ञापन एजेंसी मेरे हस्बैंड की थी, और वो क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे आपके क्लाइंट भी जेंट्स होते हैं और पूरे प्रेस वाले भी जेंट्स रहते हैं, और उनसे डील करना और फील्ड में उतर के काम करना निश्चित रूप से एक कठिन काम था। मगर मुझे सबका भरपूर सहयोग मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्वभाव ऐसा था कि उनकी किसी से, मैं समझती हूँ आज तक मैंने बुराई नहीं सुनी, वो सबको लेके चलते थे और सबके लिए बहुत किया। तो लोगों को भी लगा कि जब भैया ने हमारे लिए इतना किया है तो अब हमारा समय है कि हम उस परिवार को सहयोग करें। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जो मेरे बड़े भाई तुल्य हैं, उनका बहुत बड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, काम करना सिखाया, काम भी दिया। अगर वो उस समय आके काम नहीं देते, काम नहीं सिखाते, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं आ पाती। जी, जी। हाँ। तो पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में, मतलब जो एजेंसी आपकी विज्ञापन की एजेंसी, और ये पुरुषों को दबदबा वाला क्षेत्र था, और इवन उस समय रायपुर तो कम से कम ऐसा था जहाँ कोई महिला इस क्षेत्र में थी ही नहीं, तो वो कैसा चैलेंज था, कैसे फेस किया होगा आपने, कैसे उससे आप निकली उस दौर से? चैलेंज तो बहुत था, केवल कुछ लोग सामने आके बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, पर आपको पता चलता है पीछे वही आपके ऊपर वार कर रहे हैं। शाग्र बुद्धि, मेहनतशील, सारे गुणों को समाई करके आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल, उस समय मैं समझती हूँ कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस में आती थी और रात के मुझे 12-1 बज जाता था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां थी। पहले तो मेरे को काम को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि काम की मेरे को बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, थोड़ा समझती थी मैं, पर काम समझना, फिर अपना अकाउंट भी बहुत, आपको अगर विज्ञापन छाप रहे हैं तो हाँ, उसकी वसूली का, उसका मतलब आपको पता रहना चाहिए, आवक जावक क्या है आपकी जी। तो वो सब चीजों को भी संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चे ने बहुत सहयोग किया। मेरी बिटिया को मैं कई बार बाहर से ताला लगा के और निकल जाती थी, क्योंकि मेरे को बहुत इधर जाना आना पड़ता था। तो बच्चों ने भरपूर सहयोग दिया, परिवार वालों ने सहयोग दिया, परिवार वाले मेरे पास आके रहते थे, जिससे कि मेरे को बहुत चिंता ना करनी पड़े। शुरू के 6-8 महीने तो बहुत ज्यादा सबका सहयोग रहा, फिर धीरे धीरे मैं संभलती चली गई, और आज भी सबका भरपूर सहयोग मिलता है। आज तो आप बाल आयोग की सदस्य भी हैं, अब बच्चों के लिए भी आप लगातार काम कर ही रही थी। जब आप मेंबर नहीं थी आयोग की, तब भी आपने खूब काम किया है, चाहे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो, चाहे वो अनाथ बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे जेल में जाके महिलाओं का भी आपने बहुत उनको सहायता की है, काउंसलिंग की है, वो उस काम को कैसे लेती हैं आप? वो आपका आज भी सतत चल रहा है? हाँ, आज भी सतत चल रहा है, क्योंकि मेरे में अंदर से था ही, बचपन से था कि जब समाज मेरे लिए कुछ करता है तो मुझे उसको बिल्कुल रिटर्न करना चाहिए, केवल लेने लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना के रहते मैंने धीरे धीरे सब कार्य चालू किया। जब मैं महिला जेल में गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि महिला कैदियों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके लिए जो उनका बेसिक काम रहता है, भोजन बनाना, आज स्त्रियों का माना जाता है, आज भी माना जाता है, तो वो भी वो भोजन उनको पुरुष जेल से आता था, और पुरुष जेल से स्त्री जेल तक आते आते खाना एकदम ठंडा और इतना बेस्वाद हो जाता था कि उनको, मैंने देखा कि उनको खाने में भी बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने फिर मांग रखी कलेक्टर के साथ बैठक में कि भाई एक रसोई घर महिला जेल में ही बनाया जाए, और उनके बच्चों के लिए, भाई बच्चे हैं तो निर्दोष हैं और सबके हैं, तो वो बच्चे भी माँ के साथ रहना पड़ता उनको, तो उनके लिए भी एक रूम ऐसा रहे जहाँ वो खेल कूद कर सके और अपना समय व्यतीत कर सके, अपना बचपन जी सके, वो था। और महिलाओं के लिए नर्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये हाँ, ये सब जेल के भीतर। और नर्सों के लिए तो हमने DKS में बात करके भेजा है उन लोगों को। हाँ, तो ये सब मैंने बहुत प्रयास किया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वहाँ पे ये सब प्रशिक्षण मेरे प्रयासों से चालू हो गया था। पापड़ बनाने की मशीन भी हमने 2-4 संस्थाओं से बात करके उसको भी हमने वहाँ पे लगवाया था। और हमने ये भी एक चीज जोड़ी थी कि अध्यात्म जोड़ने से कैदियों में, हमने देखा, हमने 3 साल लगातार क्लास चलाई जीवन विद्या शिविर, तो हमने देखा कि इतना परिवर्तन हो गया कि जो महिला कैदी आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, वो लोग एक दूसरे की सेवा करने लग गए, क्योंकि हमने, हाँ, हमने ये
समझाया कि केवल पैसे से सेवा नहीं होती, कोई बीमार है आप उसके पैर दबा दो, आप तन से भी सेवा कर सकते हो, मन में अच्छे भाव रख के भी सेवा कर सकते हो। और वो बातें उनको समझ में आई और उस वक्त जेल का वातावरण बहुत अच्छा हो गया था। और अभी मेरा बीच में जाना हुआ महिला जेल में, तब वहाँ पे मधु बहादुर सिंह ने मुझे बताया, मैडम जो आपकी इच्छा थी तो वैसा रूम बच्चों का बन चुका है। और मैं गई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बच्चों के लिए खिलौने, फिसल पट्टी, सारा कुछ जेल में एक किनारे में बाहर तरफ कमरा बना के बच्चों की सारी व्यवस्था हो चुकी है। और ये जो अलग से जो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए भी आप काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से पेरेंट्स छोड़ देते हैं उन बच्चों को, आप लोग कैसे उनका फिर ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ वास्तव में बहुत दर्दनाक स्थिति है, मुझे बताने में भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स गरीबी के कारण या जो भी समस्या हो और खासकर बच्चियों के साथ, उन लोग इस तरह करते हैं कि अपने एड्रेस तक गलत लिखवाते हैं। हम एक लिमिट तक बच्चों को रख सकते हैं, 17-18 साल के बाद हम नहीं रख सकते अपने यहाँ, तो वो फिर बहुत समस्या होती है उन बच्चियों को जब लेके जाया जाए और गांव में ले जाते हैं, या इवन छुट्टियाँ होती है जब बच्चों की त्योहार में भेजना है वहाँ भेजना है, तो पेरेंट्स ले जाने को रेडी नहीं होते उन बच्चों को। तो आप सोचिए, जब पेरेंट्स नहीं ले जा सक रहे हैं तो फिर समाज उनको कैसे स्वीकार करेगा। तो ये बहुत दुखदायी स्थिति है। हम लोगों ने इसलिए बच्चियों को रुई से बत्ती बनाना, और जो वो अपने जितनी बुद्धि है और जितना शरीर साथ देता है उसके अनुरूप मिट्टी के दिए बनाना, कागज के कुछ ऐसे फूल वूल बनाना, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में हम उनको व्यस्त रखते हैं और उन चीज़ों की प्रदर्शनी भी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको कुछ पैसे भी उनके आ जाएं। ये हम लोगों की कोशिश रहती है। और सरकार से बात करने के बाद एक घरौंदा करके स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ 18 साल से ऊपर के बच्चों को अब हम भेज पा रहे हैं, बच्चियों को, तो वहाँ पे कम से कम उनकी देखभाल हो पा रही है। और जो एक्सरसाइज मशीनें वगैरह भी लगी घरौंदा में, अब भी मैं बीच में जाके आई, तो वहाँ बच्चों की देखभाल अच्छे से हो रही है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो लोगों में आज पहले की तुलना में बहुत जागरूकता बढ़ी है और लोग, इन समाज भी इसको स्वीकार करने लगा है। इंदिरा जी, आप बाल आयोग की सदस्य बनी, और हालांकि मुझे पता है सदस्य के पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते नीतिगत निर्णय लेने के या अपने लेवल पर डिसीजन लेने के, फिर भी चलिए वहां तक पहुंच के भी जो आप कर पा रही है, तो कितना संतोषजनक लगता है आपको कि मैं सोसाइटी को सर्व कर पा रही हूँ? देखिए, संतोषजनक तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगातार बीच बीच में चुनाव होते गए, आचार संहिता के चक्कर में हम लोग कहीं दौरे पे जाना है, कहीं जाना है, तो वो नहीं हो पाता। फिर भी जितना हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि और बहुत कुछ करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे घुमंतू बच्चे हैं, सड़क में भीख मांगते हैं, आप देखे होंगे कि कार पोछने लगते हैं, वो पोछने लगते हैं, और उनसे अगर अपन काम करा लेते हैं और पैसे देते हैं तो उन पैसों से वो नशे की दवा के अलावा कुछ नहीं लेते हैं। जो साइकिल में चिपकाने वाला लोशन रहता है उसको लेते हैं, उसको चाटते हैं। रवि भवन के आसपास का एरिया आप देख लो, और स्टेशन रोड स्टेशन तरफ देख लीजिए, ये बच्चे वो सब सेवन करते हैं। तो वैसे नशा निवारण केंद्र भी खुला है, पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं, ऐसी स्थिति अभी नहीं बन पाई। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता भी नहीं है तो वो पहुँचेंगे, तो वो समस्या मुझे लगता है कुछ हल होगी, पर शासन का भी सहयोग की बहुत अपेक्षा है। क्या और करना बचा है इंदिरा जी, जो करना चाहते हो? आपने तो इतने सालों से आप सेवा ही कर रहे हो, और अब क्या ऐसा मन में बच गया कि नहीं अभी ये करना बाकी है? नहीं, देखिए समाज में तो आप देखो कि जिधर देखो तो ये तो निरंतर चलने वाला चीजें हैं। इसमें कहीं ऐसा अपने को संतोष करके नहीं बैठना चाहिए कि अब हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत काम करने को बाकी है। और बहुत इच्छा है कि भाई जब तक मैं कर सकूं, मेरा शरीर साथ दे और सारी स्थितियां साथ दे, मैं काम करते रहना चाहती हूं। पद की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, जो भी जैसा भी है, पर ये होता है कि पद में जाने से आपको चीज़ें फोकस्ड हो जाती हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ऐसे आपको फिर कहीं समझ नहीं आता, आप चार दिशा में बट के भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ और करते रहना चाहती हूँ, जब तक ईश्वर चाहेगा काम करती रहूंगी। कभी ऐसा नहीं होता बच्चे आपसे शिकायत करेंगे क्या मम्मी हमारे लिए तो वक्त ही नहीं आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको भी जो क्वालिटी टाइम देना है मैं देती हूँ, मेरे पोता पोती भी हैं, और रात का मेरा समय बिल्कुल 1 घंटे, उन बच्चों को भी मैं स्टोरी सुनाती हूँ, और इसलिए सुनाती हूँ ताकि उनको पता चले कि आज नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरत है, और पूरे समय बच्चे
मोबाइल या टीवी में व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा उनको भी समझ में आए कि ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं उनके उम्र के हिसाब से। बिल्कुल, वो मेरा, मैं कहीं बाहर गई रहती हूँ तो फ़ोन करने लगते कि दादी घर आओ और कहानी सुनाओ, समय हो। आपको देख के लगता नहीं लेकिन आप दादी हैं। मैं जाते जाते आपसे ये निवेदन करूँगी, क्योंकि आपने दोनों मोर्चे संभाले बखूबी, चाहे घर का मोर्चा हो चाहे वो व्यवसायिक मोर्चा, और मैं तो कहूँगी आपने तीन मोर्चे संभाल रखे। आप सामाजिक तौर पर भी उतनी सक्रिय रही हैं, उतनी समर्पित भाव से आपने काम किया है। तो मैं चाहती हूँ हमारी उन बहनों के लिए कोई संदेश दें जिनके जीवन में अचानक ही कोई ऐसा क्षण आता है, पति नहीं रहे या कोई सहारा नहीं रहा या कोई आर्थिक जरिया उनके पास एकदम से उनका छीन गया, उस समय स्थितियाँ बहुत विकट होती हैं, मन बहुत कमजोर हो जाता है और ये लगता है कि हम क्या करेंगे, कैसे जीवन हमारा निकलेगा। उनके लिए कोई आप मैसेज दे दें तो उनको एक संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। मैसेज बस मेरा ये है कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपन को कभी किसी से मांगने की नौबत ना है। अगर मन में आपके ये भाव आ गया ना कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है और मुझे काम करना है, और आप सच्चे इरादे और ईमानदारी से आप करो तो आपको मंजिल मिलती है, जरूर मिलती है। आप बस ईमानदारी से मेहनत करते हुए कोशिश जारी रखें, आप जो चाहते हो। मैंने देखा है कि प्रकृति बोलती है कि आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ, वो 100 कदम आगे बढ़ाने को तैयार रहती, और ये मैंने अपने जीवन में देखा है। मैंने प्लान्ड कोई भी काम नहीं किया है, जो काम मेरे सामने आया उसको मैंने कि काम ही पूजा है ये मान के, और मैंने 100% देने की कोशिश की है, और उस कोशिश के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। वो दो लाइनें हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। मुझे लगता है आपको देख के वो मैं महसूस भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे बात करते करते, कि अगर वाकई में हम दिल से कोशिश करें और निडर हो जाए तो हम अपनी नौका पार भी लगा सकते हैं और हम सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी में एक दुआ और है जी जी, कि पत्थर तो उछालो यारो आसमान पे, जी जी, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, पत्थर तो तबियत से उछालो, तबियत से उछालो। बिल्कुल सही कह रही है इंदिरा जी, और आप एक जीती जागती मिसाल है इन लाइनों की, इन पंक्तियों की, इन कविताओं की। कई सारे प्रेरक वाक्य तो हमारे जीवन में हम सुनते हैं, पर जब आप जैसे लोग दिख जाते हैं उसको आत्मसात किए हुए तो और ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि जहाँ हम कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ राह भी बनी जाती है। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा से मानते आए हैं कि महिलाएं हर युग में सशक्त रही हैं। शक्ति स्वरूपा के जरिए हम ऐसी महिलाओं को सलाम करते हैं।